गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज यू नो इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट चैप्टर नंबर 6 विच नेम वॉज, जो कि हमारे चैप्टर का नाम था, जो 6 चैप्टर था जो कि हमने कंप्लीट किया था, उसका नाम था स्टाफिंग। इज इट क्लियर? सो स्टाफिंग और उससे रिलेटेड डाउट क्लासेस हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए अभी तक। सो इन टुडेज क्लास वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर विच नेम इज डायरेक्टिंग। इज इट क्लियर? डायरेक्टिंग मीन्स, देखो ध्यान समझना, सबसे फर्स्ट स्टेप मैनेजमेंट का है, जिसमें हमने प्लानिंग ऑलरेडी कर ली। देन हमने क्या किया, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग की, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग कर ली। दैट मीन्स नाउ आफ्टर स्टाफिंग हमारे पास जिस स्टाफ और जिस वर्कफोर्स की ज़रूरत थी वो अब हमारे सामने प्रेजेंट हो चुकी है। नाउ वी नीड टू डायरेक्ट देम, वी नीड टू इंस्ट्रक्ट देम, वी नीड टू मोटिवेट देम, वी नीड टू कम्युनिकेट देम। सो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ है एक अच्छे लीडर में ही होती है। सो बेसिकली चैप्टर डायरेक्टिंग इज रिलेटेड टू लीडरशिप ऑल्सो। सो इन टुडेज क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो और वी शुड डिस्कस अबाउट इट्स इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। द अबव केस रिवेल्स, लाइक आपको एक केस दे रखा है, ठीक है, फोर्ड कंपनी का, जो कि हमारे NCERT के बुक में है, तो हम इसी केस के हिसाब से बता रहे हैं कि इन अबव केस रिवेल्स हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू इंस्टिल लीडरशिप क्वालिटी इन ऑल मैनेजर्स, कि मैनेजर्स में बिजनेस क्वालिटीज डेवलप करना कितना मुश्किल है, ये कितना ज़रूरी है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ऑलवेज बी गिवन ड्यू इम्पॉर्टेंट टू इट्स मैनेजर, कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा मैनेजर्स को बहुत इंपॉर्टेंस वेटेज दिया जाता है। हु आर कैपेबल ऑफ लीडिंग अदर्स, क्यों? क्योंकि वो दूसरों को लीड कर सकते हैं, दूसरों को लीड करने का काम करते हैं। मोटिवेट एंड इंस्पायर द सबॉर्डिनेट एंड टू कम्युनिकेट विद देम सूटेबली, क्योंकि ये मोटिवेट करने का, इंस्पायर करने का, कम्युनिकेट करने का सूटेबिलिटी, मतलब जैसी ज़रूरत है वैसा काम कर लेते हैं, इसीलिए इनको ज़्यादा वेटेज और इम्पोर्टेंस दिया जाता है। दीज वेज डिस्कस इन द प्रेजेंट चैप्टर आर कलेक्टेड कॉल्ड डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और इन कंबाइंड फंक्शंस को हम डायरेक्टिंग कहते हैं। इज इट क्लियर? बेसिकली डायरेक्टिंग का मतलब केवल डायरेक्शन देना ही नहीं है, एडवाइस देना ही नहीं है, सबसे पहले ग्रुप को लीड करना, उन्हें मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, कम्युनिकेट करना, प्रॉपर टास्क समझाना, ठीक है, ग्रीवेंस मतलब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, ये सबका सब हमारी किसका पार्ट है, डायरेक्टिंग का पार्ट माना गया। इज इट क्लियर एवरीवन? सो द नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का आखिर मतलब क्या है, किसे डायरेक्टिंग कहेंगे? इन द ऑर्डिनरी सेंस डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडिंग पीपल इन डूइंग वर्क, कि डायरेक्टिंग का मतलब है लोगों को गाइड करना, ठीक है, ताकि वो अपने रूटीन के वर्क कर सकें, उसी को हम कहेंगे डायरेक्टिंग। इन आर डेली लाइफ, जैसे कि हम हमारे डेली लाइफ की बात करें, वी कम अक्रॉस मैनी सिचुएशन लाइक अ होटल ओनर डायरेक्टिंग इज एम्प्लॉयड टू द कम्प्लीट सर्टेन एक्टिविटीज फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एक होटल का एग्जाम्पल दिया है कि जिस तरह से एक मैनेजर अपने जूनियर को गाइड करता है कि होटल में कौन कौन से फंक्शन फिलहाल उसे परफॉर्म करने हैं, ठीक है, और आगे कह रहा है इसमें कि इज एम्प्लॉयड टू कम्प्लीट सर्टेन एक्टिविटीज फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ फंक्शन। अ टीचर डायरेक्टिंग इज स्टूडेंट टू कम्प्लीट एन असाइनमेंट, कि हम लोग आपको डायरेक्शन देते हैं कि आपको असाइनमेंट किस तरीके से कम्प्लीट करना है, क्या तरीका होगा, क्या वे होगा उसका, ठीक है। अ फिल्म डायरेक्टर डायरेक्टिंग द आर्टिस्ट अबाउट हाउ दे शुड एक्ट इन द फिल्म एटसेट्रा, और इसी तरीके से एक मूवी का डायरेक्टर एक्टर एक्ट्रेसेस विलन को डायरेक्शन देता है कि उन्हें कौन से रोल में क्या काम करना है, कितना हंसना है, कितना रोना है, ठीक है, कितनी लड़ाई झगड़े कर, मतलब कितना उन्हें फाइटिंग वगैरह करनी है, सब कुछ उसमें बताया जाता है, ठीक है। इन द कॉन्टेस्ट ऑफ मैनेजमेंट, अगर ये तो हमारे जनरल सेंस की बात थी, मैनेजमेंट के कॉन्टेस्ट में बात करें तो किसे कहेंगे डायरेक्टर?
डायरेक्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, डायरेक्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्ट, कि हम ये सारे काम करेंगे, इंस्ट्रक्शन देना, गाइड करना, काउंसलिंग करना, मोटिवेट करना, लीड करना, ठीक है, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें, इस पूरी प्रोसेस को हम कहेंगे डायरेक्टिंग। इज इट क्लियर एवरीवन? यू कैन ऑब्जर्व हियर दैट डायरेक्टिंग इज नॉट अ मियर इशू ऑफ कम्युनिकेशन बट एनकम्पसेस मैनी एलिमेंट्स लाइक सुपरविजन। इस तरह से हम देखते हैं कि डायरेक्टिंग कोई सिंगल एलिमेंट नहीं है या सिंगल एक्टिविटी नहीं है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स शामिल किए जाएंगे, लाइक सुपरविजन कि जब काम कर रहे हैं तो उसे देखना भी कि वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा, मोटिवेशन मोटिवेट करना एंड लीडरशिप मीन्स पूरे ग्रुप को एक बांध कर रखना, एक डायरेक्शन में लेकर जाने का काम करना। इट इज़ वन ऑफ द की मैनेजरियल फंक्शन परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर, और ये एक ऐसा फंक्शन है जिसे हर मैनेजर परफॉर्म करता ही करता है। डायरेक्टिंग इज अ मैनेजरियल प्रोसेस विच टेक प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सी बात है, जैसे कि हमने पढ़ लिया था कि मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कि जब तक ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ होगी तब तक करना होगा, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। दैट मीन्स सेम फीचर मिलेगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है कि जब तक ऑर्गेनाइजेशन होगी, लगातार चलेगी, तब तक हमें करना ही होगा डायरेक्टिंग। इज इट क्लियर? ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो कैरेक्टिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कुछ दे रखे हैं हमारे। द फर्स्ट फीचर ऑफ डायरेक्टिंग इज डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शंस, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, कि डायरेक्टिंग जो है वो एक्शंस को इनिशिएट करता है। डायरेक्टिंग इज अ की मैनेजरियल फंक्शन, अ मैनेजर हैज टू परफॉर्म दिस फंक्शन अलोंग विद प्लानिंग। जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो डायरेक्टिंग है इट्स अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, इट्स एन एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट, सो अ मैनेजर हैव टू परफॉर्म डायरेक्टिंग फंक्शन विथ प्लानिंग। दैट मीन्स कि हमने जो प्लानिंग में सोचा है, हमने जो गोल डिटरमाइन किए हैं, हमें उसी के अकॉर्डिंग डायरेक्टिंग भी करनी होगी। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, कि प्लानिंग के साथ साथ ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग करनी है। वाइल डिस्चार्जिंग इज ड्यूटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि आप अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर रहे हो उस वक्त आपको डायरेक्टिंग करनी होगी। वाइल अदर फंक्शन प्रिपेयर अ सेटिंग फॉर एक्शन, डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि आपको दूसरे फंक्शन प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, तो डायरेक्शन देने का काम वहीं से स्टार्ट होगा। इज इट क्लियर? द सेकेंड इज डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कि जो डायरेक्टिंग है वो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर अप्लाई होगी। जैसे कि हमें पता है, देखो कि मैनेजर किसी भी लेवल का, हमने पढ़ा मैनेजरियल फंक्शन तो है, चाहे मैनेजर किसी भी लेवल का क्यों ना हो, उसे ये फंक्शन परफॉर्म करना ही करना होगा। अब हमने पढ़ रखा है कि जो मैनेजमेंट है उसे तीन कैटेगरी होती है, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल। सो लेवल कोई भी हो, हमें बनाना ही बनाना पड़ेगा। एवरी मैनेजर फ्रॉम टॉप एग्जीक्यूटिव टू सुपीरियर सुपरवाइजर, कि चाहे टॉप में हो चाहे सुपरवाइजर हो, परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग, द डायरेक्टिंग टेक प्लेस वेयर सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन एग्जिस्ट। सीधी सी बात है, देखो ध्यान समझना, एक लीडर तभी हुआ जब फॉलोअर्स हो। जब तक फॉलोअर्स ही नहीं, आप लीड किसे करेंगे, डायरेक्ट किसे करेंगे, सुपरवाइज किसे करेंगे, कम्युनिकेट किसे करेंगे। दैट मीन्स सीधी सी कहा गया है कि डायरेक्टिंग वहीं पॉसिबल है जहां सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशन होगा।
द नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. ध्यान से समझना. कि जो डायरेक्टिंग है वो कैसी प्रोसेस है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी. डायरेक्टिंग जो है वो कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी क्यों है? देखो, जैसा कि हमने पढ़ा है मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, जब तक बिजनेस होगा करना ही करना हो. हमने ये भी पढ़ा है कि मैनेजमेंट के फंक्शंस भी कॉन्टिन्यूस होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं. सेम है कि ये भी मैनेजमेंट फंक्शन का एक पार्ट है. दैट्स व्हाई वी हैव टू डायरेक्ट एम्प्लॉयज ऑन रेगुलर बेसिस. We have to do communication on regular basis. We have to motivate employees on regular basis. Directing is a continuous activity. It take place throughout the life of the organization. कि एक ऐसी activity है जो जब तक हमारा business firm या company होगी तब तक लगातार चलती रहेगी. Irrespective of people occupying managerial position. ठीक है, कि जो मैनेजर परफॉर्म पोजीशन पर हैं उन्हें ये परफॉर्म करना ही करना होगा. ऑक्यूपाइंग वी कैन ऑब्जर्व दैट इन ऑर्गेनाइजेशन लाइक इन्फोसिस. कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि इन्फोसिस हो गया, ठीक है, टाटा, भेल, HLL एंड द मैनेजर में चेंज. मैनेजर चेंज होते रहते हैं बट विदाउट डायरेक्शन द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज कैन नॉट कंटिन्यू फर्दर. लेकिन बिना इनके मैनेजमेंट जो मतलब हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाएगी. इज इट क्लियर? अभी तक हमने तीन फीचर पढ़ लिए स्टूडेंट्स, ठीक है, लाइक डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शंस, डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल एंड डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. नाउ द नेक्स्ट इज directing flows from top to bottom. ध्यान से समझेंगे. हमने अभी पढ़ा कि डायरेक्टिंग के लिए सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशन होना चाहिए. किसी को गाइड करें उसके लिए जूनियर का होना ज़रूरी है. किसी को ऑर्डर दें उसके लिए भी फॉलोअर का या जूनियर सबॉर्डिनेट का होना ज़रूरी है. किसी को ऑर्डर दें उसके लिए सबॉर्डिनेट का होना ज़रूरी है. दैट मीन्स सिंपली सी बात है, लाइक एक जूनियर तो सीनियर को मोटिवेट नहीं कर सकता. कर सकता है लेकिन बेसिकली ऐसा होता नहीं, ठीक है. एक लीडर का काम होता है पूरी ग्रुप को लेकर जाना, तो जूनियर होंगे तभी तो लेकर जाएंगे. दैट सिंपली मीन्स कि सुपीरियर से सबॉर्डिनेट की तरफ चलने वाली प्रोसेस मानी गई. डायरेक्टिंग इज फर्स्ट इनिशिएटेड एट टॉप लेवल एंड फ्लोज टू बॉटम थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की. कि टॉप से लेकर बॉटम की तरफ चलने वाली हायरार्की पर डिपेंडेंट होती है. इट मीन्स दैट एवरी मैनेजर कैन डायरेक्ट. इसका मतलब है कि हर मैनेजर डायरेक्ट करेगा अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट को और इंस्ट्रक्शन लेगा अपने सुपीरियर को. फॉर एग्जांपल हमने स्केलर चेन में डिफाइन किया था इस चीज़ को. ठीक है, कि आप अपने जूनियर को क्या करेंगे? सुपरवाइज करेंगे, गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे. और आपको कौन कौन आप किससे लोग जैसे कि इसको कर रहा है तो ये किससे होगा? इज इट क्लियर? मेरे हिसाब से पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे. इज इट क्लियर स्टूडेंट? सो स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 7 विच नेम इज डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग जो है वो लीडरशिप से भी जुड़ा हुआ है. एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड इट्स
फीचर्स. ओके स्टूडेंट, इफ़ यू हैव गॉट एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक यू कैन आस्क थ्रू व्हाट्सएप. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू स्टूडेंट्स.